की डिजिटल ब्रेकिंग आपके सामने। श्रीलंका टी20 सीरीज से पहले बीसीसीआई ने फैंस को दिया झटका, मैच देखने के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे। आपको बता दें कि बांग्लादेश के साथ दो टेस्ट मैच सीरीज खेलने के बाद भारतीय टीम को श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज खेलनी है, जिसमें आपको बता दें कि इस दौरे का आगाज 3 जनवरी को 3 मैच की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेलकर होगा। वही सीरीज के शुरू होने से पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े में भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले टी20 मैचों के लिए टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाला है। दरअसल शुक्रवार 9 दिसंबर को एमसीए की एपिक्स काउंसिल की बैठक हुई। इस काउंसिल में हुई बातचीत के बाद महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है। श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी को वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले टी20 मुकाबले के लिए टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के हवाले से आई खबर के मुताबिक एमसीए टिकट की कीमतों में 10 से 15 फीसदी तक बढ़ोतरी होने वाला है। आपको बता दें कि वानखेड़े में आखिरी बार टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 6 दिसंबर 2019 को खेला गया था। शायद इसी वजह से एमसीए ने टिकट की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।